नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो कल का एपिसोड बिग बॉस 13 का आपको कैसा लगा? कल के एपिसोड में काफी कुछ इम्पैक्ट था परसों के एपिसोड का, जो परसों के एपिसोड का एंड हुआ था, यानी कि जो क्वीन वाला एपिसोड हुआ था, जो क्वीन वाला टास्क रद्द हो गया था, टास्क इन द सेंस कि जो उनको फैसिलिटी मिलनी थी क्वीन बनने की, वो रद्द हो गया था, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई थी कल के एपिसोड में। कल के एपिसोड में दो ऐसी बड़ी फाइट्स भी दिखाई दी जो हम सोच रहे थे कि ये तो अभी लेटर ऑन होंगी, मगर कल ही होने लग गई। तो इसी पे चर्चा करते हैं, बाकी सब बातें भी करेंगे, रिपोर्ट कार्ड भी डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले करना है आपको हमारा एक काम, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और साथ में बेल आइकॉन भी दबाना है ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कल के एपिसोड की शुरुआत ही इसी चीज से हुई कि बैठे कुछ लोग बात कर रहे हैं, जिसमें रश्मि है और बाकी लोग हैं और अब्बू मलिक भी हैं वहां पे, और बात हो रही है इसको शेफाली बग्गा को लेके कि शेफाली बग्गा का एटीट्यूड जो है वो बहुत ही अलग हो गया है, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, उसको ये लग रहा है कि मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये बात शेफाली पे बहुत ही बैठती है सेट, क्योंकि ये गाना भी है मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, यही बात आगे फिर से होती है। तो ये बात चलती है और इसी बीच में, यानी कि अगला जो नेक्स्ट सीन दिखाते हैं उसमें अब्बू मलिक भी वहां पे अपना जिम कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, और शेफाली और डे बैठे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सिद्धार्थ डे, और वो जो चीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी अब्बू मलिक अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो मैं बड़ी सरप्राइज हुई देख के कि पहले तो उस ग्रुप के साथ बैठे थे अब्बू मलिक, वहां पे हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ शेफाली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे शेफाली के साथ भी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये अभी तक लगता है उनको अभी तक समझ में नहीं आया है अब्बू को कि वो किस ग्रुप में होने चाहिए। सेलिब्रिटीज जो, मतलब कल एक तरह से एक हो गया डिस्टिंक्शन हो गया कि ये सेलिब्रिटीज हैं और कॉमनर्स हैं, और ये किया भी किसने, जो लोग थोड़े से होता ना कि जो सेलिब्रिटीज उनको मानते हैं कि जिनके चेहरे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, जैसे कि एक्टर्स और राइटर्स और ये सब लोग हैं, ये इतने पॉपुलर नहीं है, ये खुद ही इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, और कल इसी बात को लेके भी चर्चा हुई। तो अब्बू मलिक ने अपने आप को शायद इधर फिट करने की कोशिश की या उधर फिट करने की कोशिश की, ये तो कमिंग डेज में पता चलेगा ही चलेगा। खैर, यहाँ पे अब्बू का एक तरह से एक सामने आती है चीज कि वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए हैं कि उनको किस तरफ से ज्यादा बोलना है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इसके बाद भी दोस्तों शेफाली का चल रहा है, शेफाली का जो एटीट्यूड है उसको लेके माहिरा बहुत बढ़िया कमेंट करती है, जैसे कि आपने देखा होगा, मुझे सच में हंसी आई कि जो शेफाली है वो छाता पकड़ के घूम रही है, बारिश हो रही है, और डे गाना गा रहा है, डे को तो अलग ही किसी मूड में चल रहे हैं, मतलब राइटर, और मुझे एक्चुअली, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एक्टर्स ही अपने आप को एक्सप्रेस करें, और अगर कोई कॉमन पर्सन, राइटर या कोई भी ऐसा पर्सन जो बिहाइंड द सीन काम करता है, तो वो भी वैसे फीलिंग ले सकता है, वही फीलिंग वो ले रहे थे और गाना गा रहे थे टिप टिप बरसा पानी, और शेफाली उस छाता लेके एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे कि बाकी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये भी नोटिस कर रहे थे कि बाकी लोग जो है हमें देख के हंस रहे हैं। मगर आपको पता है कि बग्गा बड़ी स्मार्ट है, उसने सिद्धार्थ डे को बोला कि ये हमें नहीं, आपको देख के हंस रहे हैं, आपके डांस को देख के हंस रहे हैं, मगर माहिरा जो अंदर बैठी थी वो शेफाली पे कमेंट कर रही है कि हाँ ये बारिश जो है मेरे लिए गिर रही है, शेफाली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही है, ये छाता तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है, ये सब चीजें मेरे लिए ही बनी है, मतलब ये कि सीधा का सीधा उसका जो कमेंट था उस चीज को लेके था कि मैं ही डिजर्व करती हूँ, टीम में अगर मैं हूँ तो मैं ही क्वीन बनूंगी और कोई नहीं। तो ये बात सब लोगों ने जान ली है शेफाली के बारे में, यहां तक कि जो भी बंदा इस चीज को लेके कमेंट करता है वो बोलता है कि अगर शेफाली टीम में होगी तो हम लोग खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि शेफाली ने एंड में तो चीजों को खराब ही करना है, यहां तक कि पारस भी ये बात बोल देते हैं, और साथ में कोई ना मित्रा भी इस बात में हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ पे दोस्तों दो करेक्टर सामने आते हैं, एक है दलजीत कौर और एक है आरती सिंह, दोनों की दोनों जो है एक ऐसी बात करती हैं जिसमें ये पता चलता है कि वो नहीं चाहती कि जो अपना शेफाली बग्गा है वो अलग अलग फील करे, ये अपने लेवल पे कोशिश करती हैं समझाने की बग्गा को, मगर बग्गा जो है अभी तक टस से मस नहीं हुई है, अभी तक उसका यही कहना है कि मैं ही डिजर्व करती थी क्वीन बनना। बाप रे बाप, मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछती हूँ कि आखिर आप किसको चाहते थे क्वीन बनाना, क्या आपको लगता था कि बग्गा वाकई डिजर्व करती है, वो सही लड़ाई कर रही है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद शुरू होती है बिग फाइट। ये फाइट कैसी थी, मुझे तो लगा कि ये ऐसा है
कि जैसे दो बिल्लियों के बीच में कोई ऐसी खाने की चीज पड़ गई है और दोनों बिल्लियों को चाहिए उसका सारे का सारा हिस्सा, और यही लड़ाई हो रही थी। और इस लड़ाई को एक्चुअली ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी, लड़ाई शुरू कहाँ से हुई ये भी मुझे समझ में नहीं आया कि आराम से सब लोग बैठे थे और माहिरा को आके उससे पहले जो भी हुआ होगा वो तो हमें नहीं दिखाई दिया कि माहिरा को कैसे लगा। जो शहनाज है वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है कि उसको इग्नोर मार रही है, उसको कर रही है, जबकि उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, अच्छे से उन्होंने टास्क किया था पेशेंट वाला। तो माहिरा ने आके सीधा सीधा शहनाज को बोला कि तू ऐसा क्यों कर रही है और मुझे पता है तू ऐसा क्यों कर रही है और उसकी वजह है पारस। तो यहां से जी पारस जो है वो पनीर का या जो भी खाने की डिश है उसका पीस बनता है और ये दोनों बन जाती हैं बिल्लियां। यहां पे शहनाज खुल के आ जाती है सामने थोड़ी देर के बाद, जब उसको कुछ ऐसा कमेंट मिलता है इसकी तरफ से, माहिरा की तरफ से, कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तुझे पारस पसंद है, तू ले ले, ये कर ले, वो कर ले, और यहां पे वो बॉयफ्रेंड शब्द यूज करती है। अब बॉयफ्रेंड को लेके माहिरा भड़क जाती है बिना उसकी बात को समझे, तो ये चीज जो है बिगड़ जाती है और ग्लैमर दिखा, ऐसे पता नहीं अजीब अजीब से कमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। माहिरा वहां से बाहर आ जाते कि खबरदार मुझसे ऐसा बोला, तू ले ले पारस, मैं पारस से बात भी नहीं करूंगी। और पारस बैठा हंस रहा है, जो पहले हंसता है बाद में फिर उसकी रोने जैसी शक्ल हो जाती है कि मेरे लिए ऐसी लड़ाई क्यों हुई। तो ये चीज होती है दोस्तों, और बाहर माहिरा रो रही है, अंदर शहनाज रो रही है, शहनाज भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सच्ची है क्योंकि वो मजाक मस्ती में सब चीजें कर रही है, मगर ये चीज शहनाज को नोटिस करनी पड़ेगी कि हर चीज की एक लिमिट होती है, मजाक की भी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल वो जो मजाक था शहनाज का, सिद्धार्थ देव बाथरूम के अंदर है तो वो बाहर शुक्ला जी से बात कर रही है, सिद्धार्थ शुक्ला से, कि अरे सिद्धार्थ ये जो डे है ये तो मेरे बेड पार्टनर है, ये रात को मुझे टच करते हैं, मुझे छेड़ते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे वो करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नेशनल टीवी पे आप मजाक में बोल रहे हो तो क्या सारी ऑडियंस इसको मजाक के तौर पे ले रही है? ये शहनाज को समझना पड़ेगा कि मजाक मजाक में कई बार वो ऐसी चीजें बोल जाती हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद फिर ये जो लड़ाई होती है, फिर से जो माहौल होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यहाँ पे कोइना मित्रा भी अपना बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन देती है। तो इसके बाद जो आपको जो मैं मेन सीन जो डिस्कस करने वाली हूँ वो सीन है जो लड़ाई होती है सिद्धार्थ डे, रश्मि और देवलीना के बीच में। अब ये लड़ाई किस तरह से होती है इसके ऊपर तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको लेके, मगर अभी जो रिव्यू में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मुझे देवलीना भट्टाचार्य काफी ज्यादा गलत लगी। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि देवलीना रश्मि के साथ मिलके एक यूनिट बनाना चाहती है या रश्मि बनाना चाहती है, व्हाटएवर। तो ये एक दोनों मिलके एक यूनिट बनाना चाहती हैं, एक हो सकता है कि एक शुरुआत हो नई दोस्ती की बिग बॉस के घर में, वो ये करना चाहती है। नहीं तो जो मैटर हो रहा था वो रश्मि ने शहनाज को बोला, शहनाज से डे पे पहुंचा, डे ने उसको व्यंग बताया, जो भी किया उसके बीच में देवलीना का आने का कोई मतलब था नहीं, मगर वो कूदी और फिर लड़ाई भी की, फिर उसने डे ने भी उसको बोला वो सब चीजें, और डे का कैमरे के आगे बोलना कि ये बहुएं हैं, ऐसा है वैसा है, और अपने बारे में बोलना कि मुझे घर से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। तो ये सारी चीजें होती हैं कल के एपिसोड में। बीच में एक हल्का फुल्का सीन जाता है रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का। यहाँ पे मुझे आसिम जो बैठा था वहां पे, मुझे उस पर बड़ी हंसी आई कि उसको एक्चुअली मुझे लगा समझ में नहीं आया कि ये आपस में बातें कर क्या रहे हैं, क्योंकि बात तो शुरू हुई थी कि जो आसिम है वो ऑमलेट बनाएंगे क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला कि ऐसे प्याज काटने हैं, कांदा वो अपना टमाटर काटना है, और आसिम वो मेरा मन नहीं कर रहा तो ऐसे सिंपल ऑमलेट बना दो, वो आसिम बोलता मैं कर देता हूँ, तो सिद्धार्थ बोलता हाँ आप कर दो। ये इतना हल्का सा आसिम के साथ सीन होता है। उसके बाद रश्मि का सिद्धार्थ को लेकर जो पॉइंट्स होते हैं बोलती है, सिद्धार्थ भी आता है कि अभी भी दिल में है, ये सब चीजें होती हैं। आसिम वहां पे ऐसे बैठा है उसको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगा आप बताइएगा, क्योंकि ये जो पुरानी दोस्ती की शुरुआत अब फिर से हो रही है रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में, वो हो सकता है कल का जो एपिसोड है, कल का जो सीन है उस एपिसोड में उसकी वो एक होता है ना सीड्स हो उसके, जो कल हमें दिखाई दिए। अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड की, किसने किसको क्या रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट कार्ड में सबसे पहले बारी आई माहिरा की। माहिरा ने दिया अब्बू को ब्लैक रिंग और ये कहा कि अब्बू जो है डबल गेम खेलते हैं, दोनों तरफ से बजते हैं, यानी कि एक तरह से अब्बू को उन्होंने डबल ढोलकी कहा। दूसरी बार बारी आई बग्गा की और बग्गा का तो सीधा सीधा निशाना सिद्धार्थ शुक्ला है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला वो अब उनको एक आंख भी नहीं भा रहा है, अब वो सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गई है कि ये बंदा जो है इसने मेरे साथ ऐसे फाइट
हिट की तो की क्यों, तो वो सिद्धार्थ शुक्ला को बोल देते कि ये बहुत ही बदतमीज है, इनको तमीज सीखने की जरूरत है। ये बात सिद्धार्थ शुक्ला सुनते हैं चुपचाप और देख रहे हैं किस तरह से ये लड़की बोल रही है। अब बारी आती है गिल की और गिल देती है आसिम को, और मुझे इसका पॉइंट बड़ा सही लगा आसिम को लेके कि आसिम ने टास्क ढंग से नहीं किया, और ये बहुत अच्छी बात है शहनाज की जो इसने ये पॉइंट उठाया। इसके बाद बारी आती है दोस्तों दलजीत की, और वो भी देती है अब्बू को, और वो भी बोलती है कि ये अब्बू ने जो डबल खेला है वो पसंद नहीं आया। दलजीत और माहिरा दोनों एक ही टीम में थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इन लोगों के साथ एक्चुअली हमने भी शेयर किया था कि अब्बू, जब मैंने पहले शेयर किया था कल के एपिसोड में, कि अब्बू ने थोड़ा बायस्ड संचालन किया है, तो ये चीज जो है ये अब्बू के लिए असीम भी ये चीज जो है अब्बू के लिए दलजीत भी बोलती है और माहिरा भी बोलती है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमें पेन हो रहा था उसको तो अब्बू ने नोटिस ही नहीं किया, और उनको पेन हो रहा था वो उनको बड़ा खल रहा था। तो इसके बाद बारी आती है दोस्तों आरती की, और आरती भी देती है आसिम को, और वो भी उसका भी कारण यही है कि आसिम जो है लूजर की तरह खेलता है, जल्दी गिव अप कर जाता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों कोई नाम मित्रा की, और कोई नाम मित्रा का जो रिसेंट झगड़ा हुआ, अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था देवोलिंडा का वाला जो चक्कर हुआ था, उसमें जो लेडी बॉस बनके कोइना मित्रा डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, और उसने सिद्धार्थ को सीधा सीधा पूछा था डे को कि आपने ऐसा बोला, आप बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों बोला, मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपने जो बोला कि मैं शोज छोड़ के आया हूं, काम छोड़ के यहां पे आया हूं और इनके पास काम नहीं है, तो ये बात आपने कैसे बोली। तो सिद्धार्थ ने यहां पे मुकर भी जाते हैं, और उनका एक तरह से रिएक्शन भी अजीब होता है कि मुझे ये सवाल करने वाली कौन होती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ डे और कोइना मित्रा के बीच में भी तूतू मैमे हो जाती है, जो कि कोइना की पहली तूतू मैमे है, पहला झगड़ा है, और इसलिए कोइना ने सिद्धार्थ डे को किया कि ये भी ब्लैक रिंग लेने के लिए डिजर्व करता है, क्योंकि ये बहुत एरोगेंट है, एरोगेंस का इल्जाम लगाया गया सिद्धार्थ डे पे। इसके बाद दोस्तों बारी आती है देवोलिना की, और देवोलिना भी सिद्धार्थ डे को ही सेम रीजन से रिंग देती है कि ब्लैक रिंग इनके पास जाएगा। और लास्ट में बारी आती है रश्मि देसाई की, और रश्मि देसाई मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि मुझे लग रहा था कि वो भी सिद्धार्थ डे को देंगी, क्योंकि सिद्धार्थ डे के साथ अभी उनसे ही झगड़ा शुरू हुआ था, मगर वो देती है आसिम को कि आसिम ने टास्क अच्छे से नहीं किया, और इस तरह से आसिम को मिल जाते हैं तीन रिंग, पारस को एक भी रिंग नहीं मिलता है। अब अब्बू के पास है दो रिंग और शुक्ला के पास है एक रिंग। अब अब्बू को वो रिंग आपको याद होगा जो जब एंटर हुए थे घर के अंदर, जब ड्यूटीज बांटी गई थी और अब्बू को कोई भी ड्यूटी नहीं मिली थी, उनको एक डिसएडवांटेज के तौर पे ये रिंग मिली थी, और वो रिंग कल ऐड होगी। तो इस तरह से तीन तीन रिंग हो गए आसिम और अब्बू के पास। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इन रिंग्स का क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कल बिग बॉस ने अनाउंस किया कि फिनाले जो चार हफ्तों में होने वाला है उसमें इन रिंग्स का बहुत इम्पैक्ट होगा। तो ये था टोटल एपिसोड का रिव्यू मेरे लिए। आपको क्या लगा जान के, आपको क्या लगा देख के एपिसोड, आप भी कमेंट कीजिए और बने रहे हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।